ये अंकल से पूछा कि यहाँ ये जो बाजू वाले बंगलो है उसका सीन क्या है, तो अंकल ने मुझे ये बोला, ये जस्ट बाजू में दुकान है इनकी, तो अंकल ने मुझे ये बोला कि ये घर शायद से हॉन्टेड है। काफ़ी सारे लोग ऐसे नेट पे भी बताते हैं कि ये घर हॉन्टेड है, पर उनको कभी लगा नहीं है, और वो जस्ट मतलब उनकी दुकान जस्ट ये बंगलो के बाजू में ही है, तो बंगलो के अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। ओके, go inside guys, let's have the so this is the Rolls Royce. It is of the time of Britishers, around 1940s or 1950s. It is a golden color Rolls Royce with, I can say, a great view. Sorry, not her shoe, but Sarish is guiding us through the way. So this is the balcony. It is said that the name of the villa is Ayesha Villa. I don't know who is Ayesha, but yeah, she may be very much beautiful. And this is the inside view. Let's go. But we will see inside what it is. The home is not in a good, but it's very cool. Things are not well over here, but I think so in 1950s the house was very cool and good. It used to be a wonderful and beautiful house, but I don't know who has done this things, and that is an ancient sword, I think so, in the shape of X. Let's go or no let's go. Yes, here to have a visit, and if like it's not good, we will, I think so, get a warning that we should not come here, and we will not come from the next time. We are sorry to disturb the privacy of the people over here. And what is it? Yeah, you have to go out for it. Bandhu, you are not going to go down the road. Let's head towards our home. It was quite good experience over here. We got to see many new things, and people who are coming for the first time, it's on your own risk, okay? But please don't harm the house. It's very cool and good, and especially the Rolls Royce. It's very much beautiful, actually. Again, you can see the Rolls Royce. Let's go to the garden. Want to go ahead? Yeah, I don't think so. Let's go. But yeah, it's quite a good experience over here. We have a back garden also over here. Yeah, this is the back garden, but अभी पता चला कि ये एक आयशा विला करके विला है, और इसमें और ये जो आपको घर दिख रहा है, ये जो इसके बाजू में है, वो पूरा कनेक्टेड है, बट यहाँ वॉकिंग चालू है और यहाँ कुछ चालू नहीं है, तो शायद पता नहीं, ये मोस्टली तो मिथ ही हो सकता है कि ये हॉन्टेड है। और इनसे पता चला कि इनके पास ऐसी रोल्स रॉयस तीन है, एक नहीं तीन है, तो उनको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है इनकी, और वो लोग बहुत रिच है, तो वो लोग यहाँ आते भी नहीं है शायद, ऐसा कुछ सीन है, बट पता नहीं ये हॉन्टेड है नहीं है। बहुत सारी मैंने यूट्यूब वीडियोज़ भी देखे हैं इनके बारे में। अब लेट्स सी, ये वीडियो मैं अलग बना रहा हूँ लोनावाला से, क्योंकि मुझे थोड़ा और कंटेंट चाहिए था इसमें, और थोड़ा कुछ कंटेंट ऐड कर सकता हूँ तो ऐड कर लूँगा। एंड आई डोंट नो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि वॉइस आपको क्लियर मिले, एंड जितना हो सके उतना स्वाइप कीजिए स्क्रीन, और होपफुली आपको अंदर वीडियो अच्छा लगा, एंड थैंक यू राहुल एंड सारेश जो अंदर गए। तो ये
तो राहुल और सारिश अभी अंदर गए थे तो उन लोग ने देखा कि वहाँ सब नॉर्मली है. राहुल बोला ज्यादा क्या था अंदर. अरे बोला 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 अंदर हुए ना तो चीजें देखा जाए तो ऐसे प्राचीन या फिर ब्रिटिश टाइप थी. जैसे कि अभी के जमाने के बेड कबर्ड मिरर साफ था लेकिन पता नहीं क्यों. ठीक है और ऐसा लगा कि जब हम लोग फ्लाइट किया प्लस बचपन पे गए तब थोड़ा बहुत चीज़ें रुइन दिखी. एक हम लोग को अभी के जमाने की स्पॉट्स भी दिखे. ठीक है तो मैंने पॉइंट आउट किया वीडियो में. हाँ और थोड़ा डर लग रहा था लेकिन हम दो साथ में थे इसलिए कि हम लोग ने कैमरा घुमा लिया. बाकी हाउस बहुत ब्यूटीफुल था और अभी के जमाने में जो लोग आए थे अभी जो हम लोग ने बाजू वाले दुकान दुकान अपने रिस्क पे जाएगा. हाँ बाकी जो भी जाओ अपने रिस्क पे जाओ और अगर आपको डर लग रहा है तो मत जाओ मेरी तरह. एंड बाकी हम लोग ने जो बाजू से इंक्वायरी किया जो बाजू में उनका जो चिक्की वाले का शॉप था उन्होंने बोला कि वो पूरा एक चीज़ कनेक्टेड ही है पूरा एक ही बिल्डिंग है बट एक साइड का उन्होंने रिनोवेट नहीं किया है उसकी वजह से काफ़ी सारी स्टोरीज उसके ऊपर बन गई है. और ये आपको पता है कि अगर एक स्टोरी बनी तो उसके ऊपर 100 लोग वो उसे बनाएंगे स्टोरी. तो अब पता नहीं. और ये भी पता चला कि वो जो घर है एक मुस्लिम अंकल का है जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो अभी फ़िलहाल बॉम्बे में रहते हैं कुरला में. तो उनको मतलब काफ़ी सारे लोग बहुत रिच होते हैं तो उनको अभी ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से फ़र्क नहीं पड़ता है. तो अब पता नहीं ये अभी फैक्ट है नहीं है. एंड ये वीडियो मैं अलग बना रहा हूँ तो गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. और लोनावाला का जो वीडियो है प्लीज़ आप देख लीजिए. लिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं छोड़ देता हूँ. पॉपअप होगा यहाँ का आजू बाजू तो वो भी देख लेना. बाय बाय टेक केयर.